वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनसे ज़्यादा पुरानी तो मुलाकात नहीं है, लेकिन पिछले महीने ही मुलाकात हुई थी, तो कुछ ऐसा चर्चा चला कि ऐसा ऐसा करके हम लोग ये करने वाले हैं अवार्ड फंक्शन, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। बीच में थोड़ा सा एक पोस्टपोन हुआ, बट आज जो हुआ तो ये जो अवार्ड मिला, तो उसके लिए सबसे पहले मैं मदर टेरेसा को नमन करता हूँ हाथ जोड़ करके। उसके बाद रे ऑफ होप के जो फाउंडर ट्रस्टी एडवर्ड परेरा जी हैं, उनको अपनी तरफ से और अपने NGO कैंसर कंट्रोल मिशन की तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज यहाँ पर आकर के जो सम्मान प्यार ये चीज़ मिली, वो हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छे इंसान है जो इस तरह के वो प्रोग्राम करवाते रहते हैं और करते रहते हैं, जिससे कि हम लोगों को एक स्टेज मिलता है लोगों से मिलने जुलने का और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। और हम करते क्या हैं, हमारा NGO का क्या मकसद है, हम लोग जैसे मेरा कैंसर कंट्रोल मिशन है, हम लोग कैंसर को कंट्रोल करने के लिए ऑल ओवर इंडिया वर्क करते हैं, स्कूल्स में कैंसर अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, और वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके जरिए हम उनके घर वालों तक, रिलेटिव्स तक, नेबर्स तक अपना एक मैसेज कन्वे करते हैं, ताकि लोग कैंसर को जान सकें और उससे अवेयर रह सकें। दूसरा क्या, हमारे पास बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं जो इतने मतलब ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, तो हमारा NGO उनको टिल ट्रीटमेंट तक हेल्प करता रहता है, कंटिन्यू जब तक उनका ट्रीटमेंट चलेगा, वो चाहे किसी भी हॉस्पिटल का हो। यदि हमारे पास फाइल आई हुई है तो हमारा NGO उनको पूरा सपोर्ट करता है। लगभग 300 प्लस कैंसर पेशेंटों को अब तक हम मदद कर चुके हैं, उसमें से बहुत सारे जो है अच्छी तरह से ठीक होकर के अभी वो स्कूल जाना स्टार्ट कर दिए, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुश। सबसे पहले नमस्ते सभी को, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी एडवर्ड जी का, जिसके नाम में ही होप है और जिसके नाम में उम्मीद है। जब उम्मीद और होप मिलता है तो एक समाज के लिए अच्छा काम होता है। तो मैं एडवर्ड जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने हम जैसे सामाजिक कार्य वालों का एक प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, उनको एक अवार्ड से नवाज रहे हैं। जब वो खुद इतना अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरों को ऑनर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सो दिल से थैंक यू। और ये सिर्फ हमारा रिश्ता सिर्फ अवार्ड से नहीं है, बहुत सालों से हमारी एक अच्छी दोस्ती है, और इंशाल्लाह हम साथ में ऐसे ही सामाजिक कार्य करते रहेंगे और सोसाइटी को अनकंडीशनली सर्व करते रहेंगे। सो दिस इज थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। कैथरीन सोम, वीरा देसाई रोड, अंधेरी। वी हैव एन ऑर्फनेज एक्सिस्टिंग फॉर 100 years। इट्स विद इमेंस जॉय एंड ग्रेटिट्यूड वी ग्रेशियसली एक्सेप्ट द ऑनर वी रिसीव टुडे फॉर द सोशल एक्टिविटीज वी कंडक्ट एट सेंट कैथरीन सोम। We are indebted to Ray of Hope NGO for their support and help. Ray of Hope name lives its name by giving hope to the poor and the needy, reaching out to them with love and compassion. May God bless their endeavors to serve the humanity with love and care. Congratulations to Mr. Edward and the team for the excellent service they give to the people in need. Thank you. We thank the organization Ray of Hope for inviting us and giving us this opportunity and awarding us. We are belong to Helpers of Society of the Helpers of Mary congregation. We are working for the children who are orphaned. We are working for the destitutes. And our Bal Bhavan has begun 1972, it is 50 years, and our old age home began 1969. So we thank God for all this opportunity, and we thank each one of you. Thank you. God bless you. We the Kanoshan sisters, daughters of charity, are really very happy today and feel so encouraged to be here present at this marvelous occasion. Here, people encourage one another to really love everyone without distinction of caste or creed. A real great love for the poor, for the abandoned, the underprivileged. Thank you. मुझे बहुत खुशी हो रही है आज का अवार्ड का सक्सेस देख के, क्योंकि जो लोग ने अच्छे काम किए उन्हें हम अवार्ड से नवाजा है, उनको भी देखकर और खुशी हुई हमें। सिस्टर लोग आए थे अलग अलग कॉन्वेंट के, जिन्होंने लॉकडाउन से लेके, लॉकडाउन छोड़िए, हमेशा अच्छे काम करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। बहुत सारे सोशल सर्विस वर्कर्स थे जो आए हुए थे, जिनको अच्छे काम की वजह से अवार्ड दिया गया था। आई एम मिसेस अर्चना दीक्षित, मैंने हैट्रिक पेजेंट विनर हूँ मैम,
और मैं एक नेवल ऑफिसर की वाइफ हूँ एंड आई वर्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. और आज मैं यहाँ पे एक मास्टर ऑफ सेरेमनी के लिए आई हूँ विच इज़ रियली ग्रेट ऑनर. और जिसके लिए मुझे ये मदर टेरेसा का अवार्ड मिला है. मदर टेरेसा फंक्शन बहुत ही एक नेक काम करता है एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग इवेंट. मेरा नाम पंडित शेट्टी है. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रे ऑफ होप और एडवर्ड परेरा के लिए. ये आज एक ऑस्पिशियस दिन है, पाम संडे है, और आज का दिन ये अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात है. मदर टेरेसा जो एक नामचीन है जो अपना एनजीओ के लिए और अपना सोशल वर्क के लिए, आज उसका अवार्ड हमें मिला है. इसके लिए हमें वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू एडवर्ड परेरा एंड रे ऑफ होप टीम. ये प्रोग्राम अच्छे से किया है उसने आज का दिन, और उसके साथ हम बहुत सालों से जुड़ा है, तो एक आगे भी आप उसके साथ जुड़ा रहेंगे. तो यही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एडवर्ड परेरा ऑल द बेस्ट, कीप इट अप एंड मेनी मोर टू कम इन द फ्यूचर. मैम आप क्या कहना, आपका परिचय. Hi, I'm Dr. Karen Terry Raza, a philanthropist, a fashion model, and an entrepreneur. I would really like to thank Edward Pereira and Ray of Hope team for this wonderful and prestigious award. And I really feel honored to be getting an award, especially the Mother Teresa Award, because the word itself and the word Mother Teresa is like is very close to my heart. And I think we should set an example and be an example exactly what she was. So that's important. Just receiving an award is not important. Doing her work, following her footsteps, that's what I would always tell everybody. Thank you so much once again. आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, माझा नाव चंचला बनकर एज अ पॉलिटिशियन. मैं आज इस मदर टेरेसा नाम सुनते ही बहुत मीन्स दिल से इतना अच्छा लगता है कि वो गरीबों के लिए बहुत सारा काम कर चुकी है, अनाथ बच्चों के लिए इतने सारे काम कर चुके कि उनको बड़े बड़े पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार ये सब मिले हैं, और आज वही पुरस्कार हमको इनकी तरफ से मिला. इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ. जर जगात जर नहीं जगता आलो दुसऱ्यांसाठी तर जगायची पण गरज नाही आहे. मला असं वाटतं लोकांनी दुसऱ्यांसाठी जगावं आणि अशा चांगले अवॉर्ड घेऊन जावं त्यांनी. हीच माझी प्रार्थना. मदर टेरेसा अवॉर्ड मिळाल्याबद्दल मी रे होपचं म्हणजे अभिनंदन करते आहे. आणि मदर टेरेसा सारखंच मी काम करते आहे आणि तसंच करत राहणार आहे. मुझे तो बहुत खुशी हो गई कि मुझे ये मदर टेरेसा अवार्ड से अवार्ड सम्मानित किया गया है. मैं तो चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही जुड़ते रहूँ हर एक चीज़ों में. अभी मुझे इसलिए दिया गया है क्योंकि मैं हमारे एरिया में कलीना एरिया में रहता हूँ मैं, तो वहाँ पे 115 डॉग्स को अपनी तरफ से फूड खिलाता हूँ रोज, और फिर 25 कैट्स लोगों को, फिर गरीब लोगों की मदद करता हूँ. ये सब अपने तरफ से करता हूँ. तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही जुड़ो और हर एक की हेल्प करो. ये डॉग्स लोगों तो खाना खिलाता नहीं है, बेचारे को उनको मार के भगाते. तो मैं चाहता हूँ कि आप सब ये चीज़ें करो. पर अरे बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये आप लोग हमेशा इनके साथ जुड़ो रे ऑफ होप में, क्योंकि ये बच्चे लोग की हेल्प करते, बच्चे लोग की मदद करते, पढ़ाई से लेके हर एक चीज़ करते, गरीब लोग की हेल्प करते. तो जो भी अच्छा है जुड़ना चाहते हो तो आप प्लीज़ इधर आए, इनसे कॉन्टेक्ट करें, और हर एक चीज़ कर सकते हैं आप लोग.